हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हमें मीडियन की क्लास पढ़नी है और इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए मीडियन के अंदर 14.3 आपका, जिसका क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट ले रहा हूं, सीआई दिया हुआ है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205, और ये आ गया एफ आई। एफ आई आपका 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। बच्चों सिग्मा एफ आई को एन भी बोला जाता है, ऐड करेंगे 5, 4, 9, 9 और 3, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 12, 24 और 4, 28 का 8 रह गया 6, सॉरी 28 का 8 रह गया 2, 2 और 1, 3, 3 और 3, 6, 68। हाँ जी बच्चों, अब एक बात याद रखना बच्चों, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस में एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। और बच्चों एन की वैल्यू अभी अभी आपको 68 आपने खुद निकाली है, तो अगर एन 68 है तो एन बाय टू कितना होगा, 68 अपॉन में टू कैंसिल करोगे 34। और याद रखना एन बाय टू के थ्रू ही हम ये काम करते हैं। अब बच्चों सी एफ आई की जगह एफ आई के साथ में हमें मीडियन के अंदर एक्स आई की कोई जरूरत नहीं है, मीडियन के अंदर एक्स आई की कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सी एफ की। किसकी जरूरत है, सी एफ की, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो बच्चों कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है क्या, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते, देखो 4 है तो 4 ऐड कर दो, 4 को 5 में ऐड करोगे 9, 9 को 13 में ऐड करोगे 22, 22 को 20 ऐड करोगे 62, सॉरी 42, 42 में 14 ऐड करोगे 56, 56 में 8 ऐड करोगे 64, 64 में 4 ऐड करोगे 68। अब ध्यान रखना ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, मतलब एफ आई का टोटल और सी एफ का लास्ट में जो भी आएगा वो टोटल बराबर आना चाहिए। ठीक है, बस अब क्या देखना है, अब चेक करो एन बाय टू कितना है भाई, 34 है। अब चेक करो 34 इनमें से किसकी वैल्यू के बीच में आ जाएगी। हाँ जी 34 एक से चार के बीच में आएगी जी, नहीं 9 में, नहीं जी 22 में, नहीं 1 से 42 में, हाँ जी इसमें आ जाएगी। तो बस जिसमें आ जाएगी बच्चों उसी को मार्क कर लो, जिसमें आ जाएगी उसमें क्या कर लो, मार्क कर लो। अब जो जो पूछा वो देखो, L L कितना है, जिसको मार्क किया है उसी का 125। N बाय टू बता, सी एफ, सी एफ कौन है, जिसको सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर वाला, जिसको सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर वाला सी एफ 22। F F कौन है, जिसको सिलेक्ट करोगे 20। H एच कौन है, इनके बीच का गैप 20। बस शुरू कर दो भाई, तो मीडियन निकालना है, मीडियन एल एल कितना 125 प्लस एन बाय टू, एन बाय टू कितना 34, सी एफ कितना 22, एफ एफ कितना 20 और एच एच कितना 20, 20 से 20 कट गया, 125 प्लस 34 में 22 गया 12, ऐड कर दो 137 आंसर। इतना सिंपल सा है बच्चों, बस ये कर लो मीडियन खत्म। ठीक है चलो, एक इसे नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। हो गया, चलिए मिटा रहा हूं। ठीक है बच्चों, हाँ जी आप देखें इंदिरा, क्वेश्चन नंबर 5 ये करा रहा हूं, इसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन में ले चलूंगा। ठीक है, सी आई क्या दे रखा बच्चों, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000,
3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। फोर्टीन फिफ्टी सिक्स, सिक्सटी एटी सिक्स, 74, 62, 48। ऐड करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बता रखा है, इनको ऐड करके 400 आएगा। ठीक है, अब निकालो सीएफ। निकालो बच्चों सीएफ, 14 ऐड करो। ठीक है, 14 ऐड कर दो 56 में, कितना हो जाएगा 70। 70 में ऐड करो 60, 130। 130 में 86 से ऐड करो तो कितना हो जाएगा 216। 216 में 74 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 290। 290 में 62 ऐड करो 352। 352 में 48 ऐड करो 400। ठीक है, नाउ अब आपको पता है n जो है वो 400 है, तो n बटा 2 कितना होगा, 400 बटे में 2 काट दिया 200। अब चेक करो 200, 200 किसके बीच में आएगा, 114 के बीच में नहीं, 170 नहीं, 130 नहीं, 1 से 216 के बीच में 200, हाँ जी आ जाएगा। बस तो बताओ L कितना है, 3000। ठीक है, ठीक है, एक मिनट बच्चों नोट करना इसको, आगे करो। हाँ जी आगे देखेंगे, L आ गया। अब L के बाद क्या है, N बाय टू आ गया। CF, CF कौन है, इसके ऊपर वाला 130। फिर कौन है F, F कौन है जो सिलेक्ट किया 86। फिर कौन है H, H कौन है 500। चलो भाई निकालो मीडियन, निकालो मीडियन कौन है, L प्लस में N अपॉन टू माइनस CF अपॉन F इंटू H। L, L कितना बच्चों 3000। एन बाय टू कितना है 200, सी एफ कितना है 130, एफ कितना है 86, एच कितना है 500। 3000 प्लस 70/86 गुने में 500, हाँ भाई तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 3000 प्लस 500 35, 7 पंजे 35000 बटे में 86। काटो इसको, किससे कटेगा, दो से काटोगे तो 1 7 5 0 0 और ये कटेगा 4 और 3। ठीक है, 43 से डिवाइड कर दो, 3000 प्लस भाई 1750, 17500 को 43 डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी में जाएगा, 43 पंजे तो नहीं जाएगा, 43 चौके पे भी नहीं जाएगा, हाँ चला जाएगा, 4 चौक 16 160 और 3 चौक 12 172, हाँ तो 4 बारी में चला जाएगा 172। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, नहीं जा रहेगा 0, ये उतरेगा नीचे 0, तो 5 बारी में चला जाएगा, 6 बारी में भी चला जाएगा, 7 बारी में नहीं जाएगा, 6 बारी में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 6 बारी में 43, 240, 240 और 18, 240 और 18 कितना आ जाएगा, 240 और 18 252, नहीं 258, तो ये कितना आ गया 42।
ठीक है, पॉइंट लगा दिया, जीरो नौ बारी में चला जाएगा, बस बात खत्म। तो 406.9 ये आ जाएगा, 3406.9 आंसर आ गया। ठीक है, करो करो बच्चों इसको। चलिए भाई ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूं मैं। ये बिलो बिलो वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर मैं बताऊं ना, पता क्या करना है भाई, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, करवाया था ना मैंने ऐसा क्वेश्चन मीन के अंदर, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको सीआई लिखा हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। बच्चों बिलो का मतलब है से कम, बिलो का मतलब क्या है, से कम। ठीक है, और अब की बार ना बच्चों ध्यान से देखो, अब की बार ध्यान से देखो, आप लोगों को ना FI नहीं दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। आप कहोगे हमें पता कैसे चलेगा, बच्चों अगर FI देखोगे तो क्या है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन CF को पहचान क्या है कि आप देख सकते हो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो सीएफ की पहचान ही यही है कि या तो लगातार इंक्रीज होगा या तो लगातार डिक्रीज होगा, ना बीच में एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि बढ़ जाए या घट जाए, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चला जाएगा, घट रहा है तो घटता ही चला जाएगा। तो ये सीएफ की पहचान है। तो इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है आपको 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 100, ये दिया हुआ है। तो देख रहे हो लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एफआई निकालो भाई, देखो FI से CF निकालते थे जोड़ जोड़ के, अब लेकिन CF से FI निकालना तो घटा घटा के निकालेंगे, कैसे, दो है तो दो ही रहेगा, अब इसमें से ये माइनस करो, 6 में से 2 गया 4, 24 में 6 गया 18, 45 में 24 गया 21, 78 में से गया 33, 89 में गया 11, 92 में गया 3, 98 में गया 6, 100 में गया 2, इस तरीके से। अब अगर इसका टोटल भी कर दोगे तो 100 ही आएगा, आपको पता ही है कि ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब नाउ n बाय 2 निकाल लो, n बाय 2 क्या है, 100 अपॉन 2, कट जाएगा 50। अब ये 50 देखना CF में, कहीं FI में देख लो, ठीक है, तो CF में देखो। हाँ जी, CF में बचा 1 से 2 नहीं, 1 से 6 नहीं, 1 से 24 नहीं, 1 से 45 नहीं, 1 से 78, हाँ जी हो गया। अब समस्या ये भी आती है एक बच्चों, अरे एक मिनट यार, एक गलती हो गई, कोई नहीं, आपको सीआई बना के भी दिखाना था, सीआई बना के भी दिखाना था बच्चों, ये सीआई ना इससे पहले लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, बना के दिखा देता हूँ। बिलो 20, बिलो 25 करना है, तो देख रहे हो सबके बीच में पांच पांच का गैप है, सबके बीच में कितने कितने का गैप है, पांच पांच का गैप है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0 से 20, क्योंकि बिलो 20 कितना हो सकता है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे गैप मिल रहा है पांच पांच का, तो क्या आएगा भाई,
20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 45, 45 50, 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है जी, अब चेक करो कि 50 किस में आ रहा है, सीएफ में चेक करेंगे तो इस वाले में आ रहा था, तो इस वाले को मार्क कर दो। चलो अब जो जो चाहिए देखो, एल 35, एन बाय टू है, सी एफ, सी एफ होता है इसके ऊपर वाला, तो कौन है सी एफ? 45। एफ एफ कितना? 33। एच एच कितना? 5। बस हो गया, मीडियन निकाल लो। मीडियन है एल प्लस में एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच। एल कितना है? 35। एन बाय टू कितना है? एन बाय टू है 50। सी एफ कितना है? 45। एफ कितना? 33। एच कितना? 5। ठीक है, तो 35 प्लस 5 अपॉन में 33 इंटू में 5, तो 35 प्लस में 25 बटा 33, तो 35 प्लस में डिवाइड करेंगे 25, 33, पॉइंट लगाऊंगा 0, पॉइंट लगाऊंगा 0। ठीक है, तो 250 कितनी बारी में जाएगा? सत्य अट्ठे 8 बारी में नहीं, 7 बारी में जाएगा, 210 और 21, 231। ठीक है, तो ये आ गया 19। 0 कितनी बारी में जाएगा? 5 बारी में, तो 0.75 ऐड कर दोगे, 37.5 आंसर। करो, नोट करो। चलिए बच्चों आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड। चलो सेकंड खुद करना, मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद बच्चों आपका ये मीडियन खत्म। ठीक है, फिर अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी शुरू कराऊंगा और अगली क्लास में खत्म करा दूंगा, एक क्लास का है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मीडियन में क्या करना है, कैसे करना है, बिलो वाले में क्या करना है, ठीक है, और क्या नाम है, नॉर्मल वाले में क्या करना है। अगर सीआई मैच नहीं कर रहा है तो मैंने बता दिया 0.5 माइनस 0.5 प्लस, जैसे मीडियन में किया था, मीन में किया था हमने। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8। आपको ना बच्चों मीडियन की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, माध्यक, हिंदी में माध्यक कहते हैं, पता है ना, माध्यक पहले से ही दे रखी है 525, और अब की बार आपको सीआई दे रखा है। देखो सीआई दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। ये दे रखा है बच्चों आपको सीआई। अब दे रखा है एफआई, एफआई 2 5 x 12 17 20 y 9 7 4, और इसका टोटल आपको पहले से ही दे रखा 100। ठीक है जी, पहले से दे रखा 100। अब समस्या ये आती है कि इसके बीच में देख रहे हो मिसिंग नंबर है, इनको कैसे सॉल्व करें। तो सेम वही प्रोसेस है, पहले तो वही करो, टू ऐड करो, टू और फाइव सेवन,
सेवन से ऐड करो सेवन प्लस एक्स, इससे ऐड करो नाइनटीन प्लस एक्स, इससे ऐड करो थर्टी सिक्स प्लस एक्स, इससे ऐड करो फिफ्टी सिक्स प्लस एक्स, इससे ऐड करो फिफ्टी सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई, इससे ऐड करो तो भाई कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई, सेवन ऐड करो सेवेंटी टू प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इससे ऐड करो सेवेंटी सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई। और जैसा कि मैंने बताया आपको ये दोनों बराबर होते हैं, नाउ जब ये दोनों बराबर होते हैं तो सेवेंटी सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा हंड्रेड के, सेवेंटी सिक्स वहां जाके माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हंड्रेड माइनस सेवेंटी सिक्स, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया ट्वेंटी फोर, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना बच्चों, अब हमें निकालना है मीडियन। अब आपको पता है मीडियन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एन बाय टू की। नाउ एन इज इक्वल टू हंड्रेड है तो एन बाय टू कितना होगा, हंड्रेड बटा दो काट देंगे पचास। अब हमें पचास को चेक करना है सी एफ के अंदर, पचास को चेक करना है किसके अंदर भाई, सी एफ के अंदर हमें चेक करना है, ठीक है। अब जब मुझे ये चेक करना है तो बच्चों कैसे चेक करूंगा, देखो यहां पे तो बच्चों नंबर तो है नहीं, वेरिएबल है यानी एक्स वाई है, तो यहाँ पता तो चलेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करो कि भाई जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 24, इसका आधा कर दो तो 24 का आधा क्या होगा 12, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलो कि 12 एक्स का 12 वाई का है, लेकिन मान लो एक्स प्लस वाई बराबर 24 ना होके 25 हो जाता, ठीक है 25 हो जाता, तब क्या करते भाई, तब तो आधा होता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको आधा ही करना है, तो 25 का आधा क्या हो जाएगा साढ़े बारह, साढ़े बारह, समझ रहे हो। लेकिन आपको साढ़े बारह साढ़े बारह नहीं लेना है, आप क्या करो एक को तेरह मान लो एक को बारह मान लो, ऐसे कर लो आगे पीछे कर लो एक एक का डिफरेंस, तो एक्स को तेरह मान लेना इसको बारह मान लेना। लेकिन यहाँ पे अभी पच्चीस तो है नहीं, तो आपके पास क्या है चौबीस, तो आधा आराम से हो गया। और अगर आधा नहीं भी होता है तो मैंने क्या बताया एक को एक ज्यादा मान लो एक को एक कम मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भाई पचास, अब भाई ये है मेरे पास एक्स प्लस वाई बराबर चौबीस, इस चौबीस का मैंने हाफ कर लिया बारह, तो मैं मान के चलूंगा कि एक्स की वैल्यू बारह वाई की वैल्यू बारह, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू 12 मान के चल रहा हूँ। चलो जी अब चेक करते हैं कि हमें ये 50 कहाँ मिलेगा, क्या एक से दो के बीच में मिलेगा, जी नहीं, एक से सात के बीच में, जी नहीं, सात प्लस एक्स, भाई x को क्या मान के चल रहा था मैं 12, तो 12 और सात 19 होते हैं, 19 के बीच में आएगा, नहीं, हाँ जी ये भी 12, 12 19 कितने होते हैं भाई 31 होते हैं, 50 आएगा, जी नहीं, 36 और 12 कितना होता है 48, भाई 48 में यानी 48, 48 में 50 आएगा, जी नहीं, 56 और 12 68, हाँ जी इसमें आ जाएगा, तो इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो। अब जो जो चाहिए हो करो, L कितना 500, CF कौन है ऊपर वाला जिसे सेलेक्ट किया है 36 प्लस एक्स, F कौन है 20, H कौन है 100, बस हो गया काम, मीडियन निकाल लो। मीडियन बराबर L प्लस में N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच। मीडियन आपको पहले से 525 दे रखा है, L आपने 500 निकाला, N बटा 2 आपका 50 है, CF, अब देखो इस CF को रखना आपको ब्रैकेट में क्योंकि ये पेयर में आ गया, F आ गया 20, H आ गया 100, भाई प्लस का 500 इधर आके क्या बनेगा माइनस का 500, हाँ जी 50 माइनस अंदर ले जाओ, माइनस का 36 माइनस का x 20 इंटू में 100 कट गया 5, ये आ गया 25, हाँ जी 50 में 36 गया 14 माइनस x और ये 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड कट जाएगा 5, माइनस x इधर आके प्लस, प्लस 5 उधर आके माइनस, एक्स की वैल्यू आ गई 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, बस सिंपल। अब वाई निकालना तो पुट कर दो, पुट एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या आया 9 प्लस वाई बराबर 24, तो 24 में से 9 गया कितना आ जाएगा बच्चों 15, तो एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 15। इस तरीके से बच्चों हम मिसिंग नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ठीक है, बस उसमें याद रखना उसमें उस क्वेश्चन में जैसे आपने यहाँ पे 24 का आधा कर दिया, वहां पे आसानी से 24 का आधा होगा नहीं, जैसे हो सकता है वहां पे x प्लस वाई आपको मान लो 15 मिल गया, तो 15 का आधा क्या करोगे आप, 15 का आधा आप करोगे साढ़े सात साढ़े सात, ठीक है, लेकिन साढ़े सात मत लेना, इसको आठ ले लेना, इसको सात ले लेना, इस तरीके से, ठीक है, फिर आप जोड़ तोड़ के करना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कम से कम दो से तीन बार देखो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई अगर कोई कमी आ रही है तो कहाँ पर आ रही है, तो ये सारी चीज़ें देखना, ठीक है। इसी के साथ आपका मीडियन खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके आगे के चैप्टर करवाऊंगा, मतलब प्रोबेबिलिटी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।